भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बाकी और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दी गई है तुम मेरे से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। वैसे ही हमारे देह में बहुत से अंग हैं और सभी अंगों का एक सा काम है, वैसे ही उनके बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि मैं जरूरत के कारण जो हमें दी गई है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्य आनंद का दान मिला हो तो विश्वास परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, दान जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे अपाय करे तो वो उत्साह से करे, दया करे तो गौरव से करे, बुराई से घृणा करो लड़ाई में लगे रहो, भाईचारों के प्रेम से एक दूसरे से नहीं रखो पर सब पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो बढ़ चलो, प्रेरित करने में आलसी ना हो आत्मिक उद्धार में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निकले लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, कमाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो, धारण करने वालों के साथ धारण करो, रोने वालों के साथ रो, अपने साथ उन्नति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान रहो, प्रेम के बदले किसी से राय मत लो, जो बातें सब लोगों के लिए बदली है उसकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके सब सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि मैं ही बदला दूंगा, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा बदला मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, ऐसा करने से उसके सर पर आग के अंबारों का ढेर लगाएगा।